और अगर बात करें कि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, दो तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से यूपी में हुआ था, लेकिन उन पर सख्त एक्शन लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, ये सख्त संदेश दिया गया है उनकी गिरफ्तारी को लेकर। 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर से भी सामने आया है जहां पर कार्रवाई की गई, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुजफ्फरनगर में मंचलों की शामत आई है। राह चलती नाबालिग किशोरी के साथ बाइक सवार मंचले छेड़खानी करते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसका इलाज करके उसे जेल भेज दिया है। दरअसल तीन मंचले आए दिन मुंह पर कपड़ा बांधकर छात्राओं का कोचिंग सेंटर तक पीछा करते थे और मौका मिलते ही छेड़छाड़ करते थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपियों को लगा कि योगी सरकार अभी राजनीतिक उथल पुथल के बीच फंसी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मंचलों के खिलाफ योगी सरकार किसी तरह की कोताही करने के मूड में नहीं है। मुकदमा कायम हो गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे सभी शोधे जो किसी प्रकार की बदतमीजी, गुंडई, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ अगर किसी प्रकार की घटना होती है, उसमें किसी प्रकार की बख्शीश, किसी प्रकार की छूट नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हैं। गिरफ्तार आरोपी का ऐसा इलाज हुआ जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। गिरफ्तार आरोपी की जमकर कुटाई की गई। कुटाई भी ऐसी हुई कि आरोपी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। चलना तो दूर की बात, वो अपना पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहा है। लड़की से छेड़खानी करना आरोपी को भारी पड़ गया है। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। दरअसल सीएम योगी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर देखकर आप समझिए जबरदस्त तरीके से हुड़दंग मचाया था, लेकिन योगी सरकार ने भी इन पर कार्रवाई कर सख्त संदेश दे दिया है कि ऐसे मंचलों के खिलाफ, ऐसे हुड़दंगियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा, इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इस पूरे मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब दो तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीर को देखकर आप समझिए किस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है। अब तक कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, चाहे बात मुजफ्फरनगर की हो जहां पर छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और तस्वीरें कैद हुई थी, सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जिसके बाद बड़ा एक्शन। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें लखनऊ में महिला के साथ हुड़दंग करने वाले 19 लोग धर दबोचे गए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज में कथित तो वकील पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बीच सड़क पर महिला का दुपट्टा खींचकर थप्पड़ मारने की कोशिश की गई। महिला से वकील के इस शर्मनाक व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने, किस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक महिला जिसका दुपट्टा खींचा जा रहा है, ये वकील है जो इस तरीके की शर्मनाक हरकत कर रहा है, महिला का दुपट्टा खींचकर उसको थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। प्रयागराज का ये मामला है जहां पर कथित वकील पर ये छेड़छाड़ का आरोप लगा है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीच सड़क पर इस महिला का दुपट्टा खींचकर थप्पड़ मारने की इसको कोशिश की। तो ये प्रयागराज का मामला आप देख रहे हैं, कथित वकील पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधे हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी अजय दुबे, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मंचलों पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन का जो सीधा संदेश है वो अजय दुबे दे दिया है, लेकिन अब ये एक और तस्वीर जहां पर एक महिला का दुपट्टा खींचकर थप्पड़ मारने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में सदन के दौरान दिए अपने बयान में, और न केवल विधानसभा बल्कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो सबसे पहले शुरुआती फैसलों में रोमियो स्क्वाड का इस गठन क्यों ना हो, महिला जहां वो बार बार सदन में कहते हैं बेटियों बहनों के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई वहाँ स्पेस नहीं दिया जाएगा, और उसके लिए बुलेट एक्सप्रेस जो यहाँ सद्भावना एक्सप्रेस है, बुलेट ट्रेन तक की बात वो कह रहे हैं, और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। लखनऊ में जहाँ पहले दिन गिरफ्तारी 4 थी, अगले दिन 12 और गिरफ्तार किए गए, तो अब यह आंकड़ा 20 के आसपास पहुंच गया है, और पुलिस अब भी तस्दीक दे रही है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग थानों में अभी भी लड़कों को बैठाला हुआ है, उनसे पूछताछ चल रही है, उनसे पुलिस तफ्तीश कर रही है अभी, उसके बाद गिरफ्तारियां भी आगे देखने को इस पूरे मामले में मिलेंगी। और साथ ही प्रयागराज का ये वीडियो वायरल है जिसको लेकर भी प्रशासन
नजर बनाए हुए। लखनऊ से अधिकारियों ने इसको संज्ञान में लिया हुआ है और प्रयागराज में एक्शन जल्दी देखने को इस पर मिलेगा। बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, जब ये तस्वीरें आई थी सामने उस समय साफ साफ नजर आ रहा था कि हुड़दंगी किस तरीके से, मॉनसून का समय जब बारिश होती है लोग, आम जनजीवन वैसे ही अस्त व्यस्त रहता है, लोग परेशान रहते हैं, लेकिन आने जाने वाले लोगों को इस तरीके से परेशान करना, उसके बाद तुरंत योगी सरकार का एक्शन में आना, मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसके बाद भी योगी सरकार का एक्शन में आना, सख्त संदेश कि मंचलों को बख्शा नहीं जाएगा, हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री का निर्देश साफ है और इसी का जो इकबाल मुख्यमंत्री का है उसका असर ग्राउंड पर देखने को मिलता है। जहां भी महिलाओं से जुड़े मामले होते हैं, चाहे वो अंबेडकर नगर में लड़की के साथ दुपट्टा खींचने की घटना हुई हो जिसमें उस लड़की की मौत हुई, अगले दिन ही हाफ एनकाउंटर देखने को मिला, और ऐसी तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, मुजफ्फरनगर में इस समय देखने को मिली है, लखनऊ में शहदों ने छेड़खानी की, हुड़दंगई की, उसमें गिरफ्तारी देखने को मिली है, और प्रयागराज की घटना को लेकर भी चर्चा है लगातार। मुख्यमंत्री क्योंकि इस मामले में बेहद सख्त रहते हैं, कोई भी चाहे वो अयोध्या वाली घटना क्यों ना हो, जैसे ही महिलाओं से जुड़ा कोई मामला निकलकर सामने आता है तो चौकी से लेकर थानों से लेकर खुद जो वहां के कप्तान जिले के होते हैं या कमिश्नर होते हैं उन तक के कान खड़े हो जाते हैं और उसका साफ साफ असर होता है कि जमीन पर एक्शन देखने को मिलता है। प्रयागराज की भी वायरल वीडियो, उसकी भी चर्चा लगातार बनी हुई है और एक्शन लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं से जुड़े अपराधों में देखने को मिला। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया था सदन के भीतर के ऐसे लोगों के खिलाफ सद्भावना नहीं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। देखिए अब ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर में मनचले स्कूटी से आए थे, गिरफ्तारी के बाद अपने पैरों पर खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज आप देखिए मुजफ्फरनगर में किस तरीके से जो मनचले हैं वो अक्सर छात्राओं को परेशान करते थे, लेकिन धर दबोचा गया और उसके बाद इनकी वो धुनाई की गई, इनको ऐसा सबक सिखाया गया, इनका वो इलाज किया गया कि अब ये जिंदगी भर याद रखेंगे। देखिए अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं और इसी के जरिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा संदेश भी दे दिया है ये कहते हुए कि कोई हुड़दंगी हो, कोई मंचला हो, महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होगा तो उसे उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा जैसा कि इन मंचलों को पहुंचाया गया है। पांव पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अब आप समझिए अगर कोई महिलाओं के साथ अपराध करता है तो उसका अंजाम क्या होगा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हुए यहाँ मंचले नजर आ रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की तरफ से सख्त संदेश एक्शन के बाद कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। ये देखिए किस तरीके से छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके बाद अपने पैरों से चलकर भी नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये एक्शन हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर ये इनको कंधे पर ले जाना पड़ रहा है, उस समय हीरो बन के दिखा रहे थे लेकिन यहां पर किस तरीके से कंधों पर जा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई, देखिए यहां पर आते हैं, बाइक रोकते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन यहां पर दूसरी तस्वीर में उसी उन्हीं मंचलों का ये हाल योगी सरकार करती है, यानी कि सख्त संदेश, साफ संदेश इनको बख्शा नहीं जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे किस तरीके से आशा किरण में अंधेरा क्यों छाया हुआ है। दिल्ली के शेल्टर होम में मासूम बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन अब इसी को लेकर सियासत भी हो रही है, एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है, यानी जेल से सरकार चल रही है, और हालात यह है कि कई हादसे हो रहे हैं तो कई व्यवस्था इस कदर चरमरा गई जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके में संचालित आशा किरण शेल्टर होम का है, जहां बीते 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। प्राथमिक तौर पर मौतों का कारण कुपोषण समेत स्वास्थ्य सेवाओं को माना जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बच्चों की मौत को लेकर अन्य सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने बच्चों की मौतों के लिए सीधे सीधे आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की भ्रष्ट सरकार बच्चों को उचित व्यवस्था देने में नाकाम है, लिहाजा बच्चों की मौत हो रही है। आशा किरण के बीच एक महीने में